Hi everyone. Today we are going to discuss best first search technique. So best first search technique is nothing but informed search technique. As we have already discussed informed search technique and uninformed search technique. Uninformed search technique में हम लोग BFS जिसको हम लोग breadth first search technique बोलते हैं and DFS depth first search technique को और consider किया जाता है. यदि हम बात करें informed search technique की, इसमें best first search technique, A star, AO star and hill climbing जैसा search technique आता है. तो ये heuristic का concept को follow करता है and this kind of search technique or informed search technique is much better than uninformed search technique. तो हम लोग इसका concept को discuss करेंगे. तो सबसे पहला और सबसे important concept जो है best first search technique का, it considers advantage of DFS and BFS of uninformed technique. जो BFS और DFS की जो advantage है उसका एक combination है. तो अब हम यहाँ पर discuss करेंगे कि depth first search technique और breadth first search technique का advantage क्या है. तो friends, depth first search technique की यदि हम बात करें तो उसमें suppose that we have a tree and that can have multiple level and multiple nodes. तो depth first search technique में यदि हम लोग start node से visit करना start करें and we have to get goal node. That is the objective of any search technique. तो हम लोग start node से यदि हम लोग किसी particular path और particular depth में चलते चले जाएंगे, यदि उस particular direction में solution मिलता है तो बाकी remaining depth को हमें visit करने की जरूरत नहीं पड़ती. So that is the advantage of DFS. यदि हम बात करें BFS की, तो depth first search technique जो मेन कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट नोड से स्टार्ट करेगा एंड उसके जितने भी चिल्ड्रंस है उसको विजिट करेगा एंड इस तरीके से यदि उसको गोल नोड और टारगेट नोड अपर लेवल पे ही इसको यदि टारगेट नोड मिलेगा तो बाकी के जो भी डेप्थ है और बाकी के जो भी लेवल पे इसको विजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी. तो क्या चांसेस क्या है कि BFS में यदि वो डेडली एंड पाथ हो, मतलब पाथ को विजिट करता चला जाएगा एंड डाउन द ट्री इट विल नॉट गेट एनी गोल नोड देन इट विल टैप. So this is the advantage of BFS. So हम लोग जो DFS की advantage और BFS की advantage की बात किए वो दोनों को combine करता है BFS technique और best first search technique in a single method. तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये decide करेगा कि start node से किस node को pick करना है. तो friends, here we have few line for BFS. The way of combining these two techniques. Follow a single path at a time. But switch whenever some competing path looks more promising than the current one. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि स्टार्ट नोड से स्टार्ट करेगा एंड उसके बाद किस पाथ को फॉलो करना है अकॉर्डिंग टू द ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये डिसाइड करेगा एंड स्विच करेगा. तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड और ग्राफ टेक्निक एंड वी कैन से दैट बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक इज बेस्ड ऑन और ग्राफ टेक्निक. तो और ग्राफ होता क्या है हम लोग इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में समझेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक कैसे वर्क करता है. तो सपोज दैट वी हैव अ सिंगल नोड दैट इज स्टार्ट नोड. स्टेप टू की यदि हम बात करें तो इसके जितने भी चिल्ड्रंस है उसको क्या करेगा एक्सप्लोर करेगा. सो एस इज हैविंग थ्री चिल्ड्रन ए बी एंड सी. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए के साथ कुछ वैल्यू दिया गया है, बी के साथ एंड सी के साथ भी दिया गया है. सो दैट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ पार्टिकुलर नोड और इसको हम लोग ह्यूरिस्टिक वैल्यू बोलते हैं. तो अब देखेंगे कि एस से कौन सा प्रोमाइसिंग पाथ है और कौन सा बेस्ट पाथ है. तो हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे इजली कि एस से हम लोग बी की ओर मूव करेंगे क्योंकि मिनिमम ऑफ थ्री टू है, फाइव टू एंड थ्री मिनिमम कौन है टू. सो दिस पाथ इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाई बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक एंड उसके बाद इस नोड को एक्सप्लोर करेगा. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बी का दो चाइल्ड डी एंड ई, तो इसको एक्सप्लोर किया एंड डी इज हैविंग कॉस्ट फाइव एंड ई इज हैविंग कॉस्ट सिक्स. तो इस तरीके से अब हम लोग देख पा रहे हैं कि एस टू बी कॉस्ट टू था एंड यदि हम एस टू डी आए बिकॉज बी हैव टू अचीव गोल नोड. तो इस तरीके से हम लोग आएंगे तो यहां तक आने का कॉस्ट क्या हो जाएगा टू एंड ये फाइव. सो फाइव प्लस टू सेवन बट वी हैव ऑलरेडी मिनिमम कॉस्ट लाइक थ्री एंड फाइव. तो फाइव सेवन एंड थ्री में से मिनिमम पिक करेगा देन वी आर गेटिंग दिस एज द मिनिमम कॉस्ट. तो वंस अगेन इट विल स्विच टू दिस नोड और सी को एक्सप्लोर करेगा एंड सी इज हैविंग एफ एंड जी. तो एफ का यहाँ पे ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेवन दिया गया है एंड जी का फोर दिया गया है. तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा पाथ को पिक करेगा एंड यहाँ पे लोग एक बात को नोट करेंगे कि जितने भी नोड्स हैं उसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू दिया गया है और पाथ जो भी एजेज है उसका भी वैल्यू दिया हुआ रह सकता है. इट डिपेंड्स क्योंकि हम लोग जब ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ एन दैट इज जी ऑफ एन प्लस
h of n, where h is nothing but cost of the path and gn is the evaluation function or evaluation cost. So node का जो भी cost है that is called gn and hn क्या कहलाएगा, जो path का cost होगा और h का cost होगा. तो यहाँ पे हम लोग मान करके चल रहे हैं कि इसका cost zero है. तो इस तरीके से हम लोग फिर से compare करेंगे कि source to कौन सा node का कॉस्ट मिनिमम है और मिनिमम को पिक करेगा और इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा. तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक का दोनों का कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है. क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि आप यदि स्टार्ट नोड से स्टार्ट करते हो तो आप किसी पार्टिकुलर नोड को पिक करते हुए आप उसी डेप्थ में आगे बढ़ते चले जाते हो. सो दैट इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. लेकिन यदि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करें तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि आप यदि स्टार्टिंग नोड को पिक किए हो तो उसके जितने भी चिल्ड्रन हैं सारे को विजिट करोगे. तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों को कंबाइन कर रहा है, जब भी इसको जैसा वैल्यू आ रहा है उसके अकॉर्डिंग स्विच कर रहा है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ग्राफ की. आपको और ग्राफ ये जो कॉन्सेप्ट है कि कभी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी किसी नोड पे स्विच कर सकते हो यदि उसकी कॉस्ट बाकी दूसरे नोड से और बाकी दूसरे नोड का कॉस्ट से कम है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और ग्राफ. होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक. थैंक यू सो मच.